दोस्तों आपने काफी बार EMI नंबर इनवैलिड दिखाने लगता है और उसके बाद में आपका सिम नहीं सपोर्ट करता है, तो दोस्तों इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको दुकान पे नहीं जाना होगा, ना ही आपको सर्विस सेंटर में जाना होगा, वो आप अपने फोन से ही कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ब्लैक हैकिंग में आता है, क्योंकि आप इस EMI नंबर EMI नंबर डाल सकते हैं, किसी का भी फोन का नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप रैंडम कोई भी नंबर डाल सकते हैं किसी और के फोन का। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो में नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ, आप लोग इसका गलत यूज मत कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन का आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैं उसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम दोस्तों है CHAMELEPHONAPK। ये टाइप करना है दोस्तों आपको, उसके बाद में यहाँ पर सर्च कर देना है तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसको ओपन कर लेना है। जब ये दोस्तों ओपन हो जाएगी तो आपको नीचे सिंपली सा एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। दोस्तों कुछ इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को ये डाउनलोड पे APK पे ओके कर देना है। ये ज़्यादा MB की एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, ये 1 से 2 MB या 6 MB की होगी। ये देखिए यहाँ पे KB में शो कर रहा है, 1 MB की भी नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जिस फ़ोन में EMI चली गई है उस फ़ोन में ये एप्लीकेशन को आपको डालना है। तो इसके बाद में आपका उस प्रोसेस में अपने दूसरे फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो ये डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों एक एप्लीकेशन की ज़रूरत आपको उस फ़ोन में होगी जिसकी EMI चली गई है दोस्तों। तो मैं आपको ये डाउनलोड कुछ इस तरह से होगा, ओके करके आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोग को सेकंड प्रोसेस अपने दूसरे फ़ोन में करना है जिसका EMI चली गई है। तो मैंने अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके दिखा दिया है दोस्तों, तो आप लोग अपने फ़ोन में कीजिएगा। चेंज करना है, मैं पहले आपको दिखा दूँ, मेरे में इस टाइम पर इनवैलिड आ रहा था, लेकिन मैंने इसमें चेंज करके कुछ 000 वाला डाल दिया है। तो मैं इसमें अपना नंबर चेक करवाऊंगा आपको, आप ऐसे चेक कर सकते हैं अपना कि इनवैलिड शो कर रहा है या फिर आपका किस तरह से शो कर रहा है। तो मेरे में अभी 00 शो कर रहा है दोस्तों, तो मैं इसको अब चेंज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लोड करना है किंग रूट से। तो दोस्तों इसको लोड करने के बाद में आप लोग को वन क्लिक में आप रूट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, मेरे दोस्तों आई बटन पे आप देख सकते होंगे, लिंक आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन रूटेड है या नहीं है। तो दोस्तों मैं अपना दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए रूट सक्सेसफुल मेरे में पहले से है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कराई है ये देखिए, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, अगर आपके EMI नंबर आपको चेंज करना है या फिर आप कोई रैंडम नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरेट पे कर सकते हैं रैंडम। उसके बाद में अप्लाई न्यू पे क्लिक करके आप लोग को अप्लाई कर देना है, उसके बाद में चेंज पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से होने के बाद में ये आपसे कहेगा कि ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, आपको अपना फ़ोन रीबूट करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको रीबूट करके दिखा दे रहा हूँ अपना फ़ोन। तो दोस्तों मैं अपना फ़ोन रीबूट करके दिखा रहा हूँ, देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी मैं पोज वगैरह को नहीं करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा लाइव है, ये दोस्तों कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इसको ओपन हो के मैं आपको दिखा दूँगा लाइव दोस्तों कि ये किस तरह से EMI नंबर चेंज होता है। दोस्तों ये देखिए ऑन हो रहा है, इसको हम ऑन होने देंगे। मैंने अभी आपको दोस्तों दिखाया था, मेरे में 000 शो कर रहा था। मैं आपको जितने बार कहेंगे मैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए कमेंट कि मैं कौन सा EMI नंबर इसमें डाल के दिखाऊं, मैं वो चेक करके दिखा दूंगा आपको कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जो भी बोलेंगे मैं इसमें डाल के दिखा दूंगा दोस्तों, ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है दोस्तों। आप लोग अपना इससे सही कर सकते हैं, आपको कोई PC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों ये देखिए ये ओपन हो गया है, ये देखिए दोस्तों मैं अपना नंबर दिखा दूंगा दोस्तों, *#06#, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये चेंज हो चुका है, अगर आपको कोई और चेंज करना है तो दोस्तों आपको फिर से वही एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद में इस एप्लीकेशन में आना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको रैंडम कोई भी डालना है। मैं 00 फिर से डालूंगा तो दोस्तों इसमें 008080 करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
जो भी आपको चाहिए। जब तक इसमें क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, आपको अप्लाई नहीं करना है, इसको कट कर देना है। देखिए आप इसमें चेक का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपना ईएमआई नंबर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।